वेलकम टू वीएल मेमोरियल स्कूल। दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल स्टूडेंट, सो क्लिक ऑन सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल नोटिफिकेशन। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण सर, वेल मेमोरियल स्कूल से। चलिए आप लोग अपने अगले लेक्चर पे आते हैं। पिछले लेक्चर में हम पढ़े थे न्यूट्रिशन प्लांट्स, फर्स्ट लेसन में फोटोसिंथेसिस। आज हम लोग का टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स बाय प्लांट्स। कार्बोहाइड्रेट के अलावा भोजन में कैसे संश्लेषण होता है पौधों में, जैसे प्रोटीन्स हुआ, वसा हुआ, किसकी जरूरत पौधे अपन कैसे पूरी करते हैं। प्लांट्स सिंथेसिस ग्लूकोज थ्रू फोटोसिंथेसिस। ग्लूकोज इज सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, जो ग्लूकोज बनता है सिंपलेस्ट क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का पार्ट होता है, इन सबसे मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन कार्बन और हाइड्रोजन से। इनके अलावा पौधों में प्रोटीन की जरूरत होती है, प्रोटीन में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन भी होता है। अब नाइट्रोजन पौधे कहाँ से पाते होंगे प्रोटीन बनाने के लिए, वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, लेकिन हम नाइट्रेट गैसीय अवस्था में नाइट्रोजन है, जिसे हम पौधे या कोई भी जीव नाइट्रोजन को सीधे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। नाइट्रोजन का एब्जॉर्ब करने के लिए हमें उसके यौगिक के रूप में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, यानी नाइट्रेट और नाइट्रेट ऑक्साइड के रूप में। द प्रोसेस बाय प्लांट्स इज प्रोटीन इन फैक्ट इन ग्लूकोज क्वाइट कॉम्प्लेक्स, ये यौगिक के रूप में पाते हैं। ए बैक्टीरिया गेट इन द रूट ऑफ प्लांट्स, पौधों की जड़ में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइजोबियम। ये क्या करता है, वायुमंडल से नाइट्रोजन को लेके नाइट्रेट में चेंज कर देता है, जिससे पौधे अपने प्रोटीन की आवश्यकता को पूरी कर लेते हैं। अपने रूट के माध्यम से नाइट्रोजन को क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में अवशोषण कर लेते हैं। अब दूसरा टॉपिक आता है हमारा, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स, पौधों में पोषण करने के दूसरा तरीका क्या है। जैसे वे पौधे जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है, जिनके पौधे में पत्तियां हरी नहीं होती हैं, उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, तो अपना पोषण कैसे करते होंगे, आइए इनके बारे में जानते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर फूड ओन, हरे पौधे तो भोजन अपना आसानी से बना सकते हैं, लेकिन अदर जिनका क्लोरोफिल नहीं होता है, जो हरे पौधे नहीं होते, अपना भोजन कैसे बनाते होंगे। डेड प्लांट्स डू नॉट मेक फूड ओन इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, जो पौधे अपना भोजन नहीं बना पाते हैं उनको हेटरोट्रॉप्स कहते हैं, और जो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। ऑटोट्रॉप्स प्लांट्स जनरली फोर टाइप्स, जो परजीवी पौधे होते हैं वो चार तरीके के होते हैं, जो बोर्ड में यहाँ देख लिखा गया है। पैरासिटिक प्लांट्स, सेप्रोफिटिक प्लांट्स, सिम्बायोटिक प्लांट्स और इंसेक्ट बोरस प्लांट। इंसेक्ट बोरस प्लांट को कार्निवोरस प्लांट भी कहते हैं। पैरासिटिक प्लांट्स एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द अनदर ग्रोइंग प्लांट्स, जो पैरासिटिक प्लांट्स होते हैं वो दूसरे पौधे से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, इनको होस्ट भी कहा जाता है। ओनली द पैरासिटिक प्लांट्स बेनिफिट फ्रॉम द रिलेशनशिप, ये दूसरे पौधे से अपना संबंध जोड़े रखते हैं अपने पोषण करने के लिए। पैरासिटिक प्लांट्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, दोदर का पेड़ हुआ, मिर्सिट पेड़ हुआ, इंपॉर्टेंट पौधे हुए, जो पेड़ पौधे होते हैं जो पौधों के जड़ों में तनों में ऊपर से निकले होते हैं, जो रस्सेदार टाइप के होते हैं, पतली पतली रस्से टाइप के निकले होते हैं, ये पौधों से ही क्या करते हैं अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं। अब सेप्रोफिटिक प्लांट्स यूजुअली ये ब्राइटली कलर प्लांट्स होते हैं, फूल होते हैं जो ब्राइट कलर के होते हैं, ये अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं, सफेद कलर के होते हैं। एक ये प्लांट्स दूसरे प्लांट्स के साथ ऐसे ही अपना भोजन बनाते हैं। फिर आता है सिम्बायोटिक प्लांट्स, ये पत्ते टाइप के होते हैं, जिनके पत्ते क्या होते हैं और रिश्तेदार भी होते हैं। इन पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं, जो पौधे क्या करते हैं
भोजन अपना ग्रहण कर लेते हैं। इसके बाद है इंसेक्टिवोरस या कार्निवोरस प्लांट्स, जैसे आप कीटवच्छी पौधे का नाम सुनोगे, जो कैसे पौधे जो क्या होते हैं कीड़े खाते होंगे, नाम सुना है आपने, जीके पढ़े होंगे। स्पेशली कैटेगरी ऑफ प्लांट्स इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जो पौधे कीड़े खाते हैं उनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। दे आर ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स, दे मेक देयर ओन फूड बाय समिंग द ग्रीन प्लांट्स, जो हरे पौधे होते हैं अपना भोजन तो बना लेते हैं लेकिन ये अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। बट दीज प्लांट्स ट्रैप स्मॉल इंसेक्ट टू, जो ये पौधे होते हैं छोटे कीड़ों को क्या करते हैं पचा लेते हैं अपने अंदर। दिस इज द रीजन दीज प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस, कीड़ों खाने की वजह से इनको क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। इनके अंदर ऐसी बनावट होती है रेशे टाइप की, इसमें कीड़े क्या होते हैं जाकर फंस जाते हैं और उनको ये पौधे पचा लेते हैं अपने भोजन में। जैसे एक मैजिक क्लब पेड़ है, सेंडिड का पेड़ है, ये क्या होते हैं रेशेदार टाइप बने होते हैं, बुक में देख लीजिए फिगर दिखाया है, यहाँ पे दिखाया है, ये पौधे जिसमें कीड़े क्या होते हैं फंस जाते हैं आके और ये आसानी से उस कीड़ों को क्या कर लेते हैं पचा लेते हैं। चलिए आज का हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हुआ, अब अगले टॉपिक के लिए हम लोग अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।